कार्यक्रम जल संवाद, जल चौपाल और साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक के अवसर पर मंच पर आधीन है वंशी प्रसाद सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे साथ भगवानपुर से आए हरिशंकर प्रसाद गुप्ता जी का मैं स्वागत करता हूं। सलामुद्दीन भगवा से ओम प्रकाश जो NSS से जुड़े हुए हैं वो आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। देवकी नंदन और इस क्लब के आयोजक जो है उनका स्वागत है। साथ ही साथ आप सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं इस महुलावासी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पहला अवसर मुझे ये मिला है कि मैं महुला आया हूँ, और ये मेरा एक प्रयास है। जैसा मुझसे पहले भी ये विभाग चलता था और इसके द्वारा कराए जाते थे बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन वो हर प्रखंड में एक सीमित क्लब या एक सीमित गांव तक रह गए थे। कुंदन इससे पहले जो भी कार्यक्रम होते थे वो प्रखंड के सीमित गांव या क्लब तक रह गए थे। तो एक मेरा ये नया प्रयास है कि कुछ ऐसे युवा मंडल जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं उनको भी कोई ना कोई कार्यक्रम देके जोड़ा जाए। यहाँ छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हैं, आप सब लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आए यहाँ पे और आपने नेहरू युवा केंद्र को जाना। नेहरू युवा केंद्र, जैसा कि मेरा पहली बार आगमन हो रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा अपने विभाग के बारे में जानकारी दे देता हूँ। नेहरू युवा केंद्र दरअसल युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत एक बॉडी है, ठीक है। उसका काम होता है युवाओं को जागरूक करना। युवा सरकार की परिभाषा में कहा जाता है 15 से 29 वर्ष का लोग, ऐसा नहीं है कि युवा ही हैं। और उसके बाद जो हमारा फॉर्मेट रहता है, जो हमारा स्थिति रहती है, उसमें हम लोग उससे ऊपर 29 से ऊपर के उम्र का भी लोग शामिल कर सकते हैं। तो इस विभाग से के माध्यम से युवाओं को, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि हमने विभिन्न कई कई प्रखंडों में हमने 3 माह का मुफ्त सिलाई कटाई का प्रशिक्षण चालू कर रखा है, हमने 3 महीने का मुफ्त कंप्यूटर का प्रशिक्षण चालू कर रखा है, हम भाषण प्रतियोगिता कराते हैं, हम खेल कराते हैं। अभी आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि कुल 8 प्रखंड स्तरीय खेलकूद कराने होते हैं, जिसमें से 5 हो चुके हैं, चैनपुर का बाकी। तो समय होएगा, कोविड के जो नियम हैं कुछ कम होंगे तो चैनपुर में भी कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उन सबका लाभ पहुंचाने का काम ये नेहरू युवा केंद्र करता है। युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का काम करता है, ये युवाओं पर निर्भर करता है। और इसके माध्यम से खेल आपको न सिर्फ कराने को मिलता है बल्कि आप उसमें खेल सामग्री भी पा सकते हैं। यहाँ के जुड़े हुए हैं कुंदन जी,